नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। आज भारत के साथ पूरी दुनिया में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी में योग का महत्व किसी जिम जाने से भी ज्यादा है। योग न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे मन की शांति भी बनाए रखता है। भारत में योग का मतलब बाबा रामदेव है, लेकिन कुछ ऐसे महान योग गुरु भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो, जिन्होंने भारत में योग परंपरा को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। तो योग दिवस के इस खास मौके पर आपको बताते हैं उन 7 योग गुरुओं के बारे में जिनकी बदौलत योग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इन्हें वैसे तो इंदिरा गांधी के योग टीचर के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने दूरदर्शन चैनल के माध्यम से योग को बढ़ावा देने का काम शुरू किया था। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली के स्कूलों और दुनिया भर के योग आश्रम में योग शुरू करवाया। साथ ही इन्होंने हिंदी और इंग्लिश भाषा में कई किताबें लिखकर योग को बढ़ावा दिया। जम्मू में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एक आलिशान आश्रम भी है जहाँ लोगों को योग सिखाया जाता है। BKS अयंगर ने योग को दुनिया भर में पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अयंगर योग के नाम से इनका एक योग स्कूल भी है। इसी स्कूल के जरिए इन्होंने दुनिया भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। साल 2004 में टाइम मैगजीन ने उनका नाम दुनिया के टॉप 100 इम्प्रेसिव पीपल में शुमार किया है। इसके अलावा उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों को नए सिरे से भी परिभाषित किया। लाइट ऑन योग के नाम से उनकी एक किताब भी है जिसको योग बाइबल माना जाता है। महर्षि महेश योगी को देश और दुनिया में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जाने माने गुरु के रूप में जाना जाता है। कई सेलिब्रिटीज भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। दुनिया भर में वो अपने योग के लिए ही जाने जाते हैं। धर्म गुरु श्री श्री रविशंकर भी महर्षि महेश योगी के ही शिष्य हैं। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। हठ योग और विन्यास को फिर से जीवित करने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य आयुर्वेद के भी जानकार थे। इलाज के लिए उनके पास आए लोगों को वो योग और आयुर्वेद की मदद से ही ठीक करते थे। इन्होंने मैसूर के महाराजा के राज के समय में पूरे भारत में योग को एक नई पहचान दिलाई थी। कृष्ण पट्टाभी जोइस भी एक बड़े योग गुरु थे। कृष्ण ने अष्टांग कॉन्फ़िगरेशन योगा स्टाइल को पहचान दिलाई। इनके फॉलोअर्स में मडोना, स्टिंग और ग्वेनेथ पाल्ट्रो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। परमहंस योगानंद अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पश्चिमी लोगों को मेडिटेशन और क्रिया योग से परिचित कराया। इतना ही नहीं, परमहंस योगानंद योग के सबसे पहले और मुख्य गुरु हैं। इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन अमेरिका में गुजारा था। स्वामी शिवानंद सरस्वती पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने योग, वेदांत और कई अन्य विषयों पर लगभग 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। शिवानंद योग वेदांत के नाम से उनका एक योग सेंटर भी है। इन्होंने अपना सारा जीवन इसी सेंटर को समर्पित कर दिया था। स्वामी शिवानंद ने योग के साथ कर्म और भक्ति को एकजुट करके दुनिया भर में योग का प्रचार किया था। आज देश विदेश से लोग भारत में योग सीखने आते हैं। दरअसल ये इन्हीं योग गुरुओं की मेहनत का नतीजा है। वीके न्यूज की भी आपसे गुजारिश है कि योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।